और खबर गाजियाबाद से इस वक्त आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ इस वक्त हो रही है। बताया ऐसा जा रहा है कि गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों और पुलिस के बीच में इस वक्त जो मुठभेड़ जारी है, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये मुठभेड़ कहाँ पर चल रही है, क्या कुछ हुआ, कौन बदमाश है? गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही थी, जिनमें से जो बदमाश है उनको घेरा हुआ है पुलिस ने और ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। हालांकि बदमाशों की तरफ से कुछ रुक रुक कर गोलियां चलाई जा रही है। बदमाश बेहद शातिर किस्म के है, पुलिस ने पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, पूरा घेरा। जो बदमाश है जो की पुलिस के रडार पे पहले से थे, कौन लोग है ये, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें कि इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में जो इंद्रपुरम थाना अध्यक्ष है अभी नियुक्त किए गए हैं और उन्हें निरंतर ये सूचनाएं मिल रही थी मुखबिर के द्वारा कि यहाँ पर कुछ बदमाश हैं जो आपराधिक वारदातों को अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि इंद्रपुरम इलाका बेहद पॉश इलाका है और इसी वजह से इंद्रपुरम इलाके को उन्होंने चिन्हित किया था। मुखबिर के द्वारा जो सूचना मिली थी, सटीक सूचना पर उन्होंने जो बैरिकेडिंग लगाकर जांच पड़ताल की जा रही थी, वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी कुछ बदमाश आते हुए दिखे। जब इन्होंने रोकने का बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा, जो पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, अभी फिलहाल जो गोलीबारी चल रही है उसी बीच अभी आपको बता दें कि एक बदमाश से गोली लगने की सूचना बताई जा रही है। वही एक पुलिस ये दरअसल जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता बता रहे थे गाजियाबाद से कि जिस तरीके से ये वारदात में माहिर थे अंजाम देने में, और इस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, घेराबंदी जारी है, एनकाउंटर इस वक्त फिलहाल चल रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ आपके बाद फिर आएंगे, अभी छोटा सा ब्रेक, खबर जारी। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद